समस्त देश और प्रदेशवासियों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज हम उन वीर सेनानियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन महापुरुषों को भी सत सत नमन करना चाहते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय उन्होंने देश की आजादी में देश को समर्पित किया, उनको भी हम नमन करना चाहते हैं। हमारा ये देश, हमारा संविधान जो बाबा साहब ने दिया है उसके मुताबिक चलता है और उसके मुताबिक चल करके आज देश ने प्रगति की है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान केंद्र की सरकार है, वो इस संविधान को अपने हिसाब से तोड़ना चाहती है, खंडित करना चाहती है, बदलना चाहती है और उन सब लोगों को परेशान करने का काम कर रही है जो इस देश की आजादी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने न सेना को छोड़ा, जिस सेना, जिस वीर सैनिक की वजह से हम आज हमारे बॉर्डर के ऊपर सुरक्षित हैं, उनमें भी अग्निवीर जैसी योजना ला करके उसको भी कमजोर करने का काम किया है। देश की सत्ता में आने के बाद में बड़े बड़े महाघोटाले हुए हैं, उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। आज देश में नफरत फैलाने का काम देश की सत्ता कर रही है, जो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए चिंता का विषय है। आज इस दिवस के ऊपर हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को आजादी से लेकर के आज तक स्वर्णिम भारत जो हम देख रहे हैं उसको बनाने का काम किया है, हमेशा धर्म निरपेक्षता के आधार के ऊपर अपने आप को चलाने का काम किया है, इस देश में हमेशा प्यार मोहब्बत बांटने का काम किया है, ऐसी ताकतों को हमें नेस्तनाबूत करने के लिए, हमें उनको सत्ता से हटाने के लिए इस दिवस के ऊपर हम संकल्प लेकर के काम करेंगे कि इस देश में भाईचारा रहे, नफरत की आग नहीं फैले। ये नफरत से जलाने का जो खेल खेला जा रहा है सत्ता के लिए, उसका मुकाबला करेंगे। और हमारे राजस्थान में जिस प्रकार से प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी, लेकिन उसके बाद से लेकर के आज तक एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है, केवल बयानबाजी चल रही है। दिल्ली से पर्चियां आती हैं और उस पर्चियों के मुताबिक वो अपना वक्तव्य देने का काम करते हैं। आज जो प्रदेश में हालात बने हुए हैं, बाढ़ के हालात हैं, प्राकृतिक आपदा आई हुई है, अतिवृष्टि है, लोग मर रहे हैं। पहले हीट वेव से लोग मर रहे थे, लेकिन न हीट वेव का इंजाम किया, न बिजली है, न पानी है, न प्राकृतिक आपदा में मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में लड़ाई चल रही है। इसके अलावा आज प्रदेश में लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि हमने बीजेपी को सत्ता में लाए थे और हमने उम्मीद की थी कि कहीं ना कहीं हमारा ख्याल रखेगी, लेकिन आज केवल भ्रमण और भाषण और भ्रमित करने की राजनीति हमारे पर्ची मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा तमाम प्रदेश के लोगों से कि इस परिस्थितियों में जो अतिवृष्टि चल रही है, इसमें जाने जा रही है, सैकड़ों जाने चली गई हैं, बच्चे मर रहे हैं, अपराधी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं और दिल्ली के इशारों का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों को हमें ये चेताना है कि आप एक ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो प्रदेश के, आपको प्रदेश के लोगों की चिंता करनी होगी और प्रदेश कैसे समरसता के साथ में आगे बढ़े और हम सब लोग कैसे सुरक्षित रहें, जान माल की कैसे सुरक्षा हो, इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा इस दिवस के ऊपर कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अपने वार्ड में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में ध्यान रखें और जाएं और पीड़ित लोगों की मदद करें। इसी संकल्प के साथ में हमको आगे बढ़ना है। आप सब लोगों को पुनः मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ आए हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली साहब भी यहाँ हैं। हम सब लोग आज के दिवस में संकल्प लेते हैं कि पीड़ित मानवता की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे खड़ी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता इन विपरीत परिस्थितियों में
अपने से जो हो सकेगा वो मदद करेगा और इस देश में जिस प्रकार का वातावरण जो नफरत की बीज बोए जा रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है, उसको प्यार में बदलने के लिए अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कहते हैं, कह रहे हैं सेटलमेंट हो गया कि मान गए, सुन रहे मान गए, हेलीकॉप्टर नहीं दिया इसलिए वापस नाराज हो गए। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि उनको हेलीकॉप्टर दे दो, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं देने से जो वीडियो उनका एक देखने में आया था कि वो उनका पीएसओ आपदा में आ गया, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनाएं। मैंने पहले ही विधानसभा में भी कहा था कि लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन ये सर्कस बन गया और वो आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपना श्रीमुख झूठ के अलावा कुछ सच में भी खोले, अपनी आपसी फूट को थोड़ा बहुत कंट्रोल करें और प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, लोग जो परेशानी में हैं, उनकी मदद करने का काम करें। ये रोजाना जो पर्यटक बनकर के नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं, वैसे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही, उस राहत पहुंचाने का काम प्रदेश के मुखिया को करना चाहिए। और ये जो आपस का झगड़ा है ना, ये झगड़ा मिटा लेना चाहिए। और किरोड़ी लाल जी को क्योंकि अब तक स्वीकार नहीं किया और वो भी कह रहे हैं नहीं किया तो फिर मैं हूं ही, तो फिर उनको खुल करके प्रदेश के इस आपदा की स्थिति में उनको काम करना चाहिए।